हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 डिस्कस करते हैं। इसमें कहता है कि एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, दूसरा प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए इन चारों में से कौन सा रिएजेंट यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट में इस तरह से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक कीटोन है और ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। जब आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करेंगे तो यहाँ पर जो है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन आयन क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करके इसको खोल देगा, बनेगा ओ माइनस। ओ माइनस को क्या मिल जाएगा, प्रोटोन मिल जाएगा। तो एक बार मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो ये ओ एच बन गया और इधर जो है CH3 बन गया, और इधर जो है आपको तीन कार्बन का चैन जोड़ देना है। फिर PCC है, PCC क्या करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिए जो अल्कोहल है ये थ्री डिग्री का अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। 1 डिग्री का जो है एल्डिहाइड में, 2 डिग्री का कीटोन में, और 3 डिग्री का नो ऑक्सीडेशन, तो ये ऐसा ही रह जाएगा। तो फाइनली आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिला तो ये भी गया। बी वाले में देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये फिर कहता है H2SO4 लीजिए और हीट कीजिए। तो H2SO4 के प्रेजेंस में जब आप इसका हीटिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, अल्कीन बनाएगा, जबकि आपको तो अल्केन बनाना है, समझ गए बात को। और फिर अल्कीन के बाद उसका ऑक्सीडेशन PCC से कुछ होगा ही नहीं, तो ये भी गया। तीसरा और चौथा जो है देखिए वो वीटिंग रिएक्शन पर आधारित रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरह से देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये जो भी कम मतलब बड़ा ग्रुप है इसको मैं R मान लेता हूँ कुछ देर के लिए। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर जो ये दिया हुआ है P ऐसे है, CH3 CH2 CH पर नेगेटिव चार्ज, और फिर है PH3 है, ये देखिए C6H5 है, तो इसका मतलब PH3 है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो बेसिकली क्या है कि देखिए ये अल्कीन सिस्टम है, ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ये तो अटैक करेगा इसके ऊपर, ये बॉन्ड खुलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और ये अटैक करेगा इस फॉस्फोरस पर। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इस प्रकार से एक फोर मेंबर का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है। चूंकि फोर मेंबर में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो यहां पर एक रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है बच्चों, 1 2 3 3 ही कार्बन है, यही होगा, ये नहीं होगा। अब एक रीअरेंजमेंट होगा, वो रीअरेंजमेंट कैसे होता है, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये टूटकर इधर आ जाता है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटकर यहाँ पर आ जाता है। तो फाइनली जो है ये बन जाता है RC CH3, तो ऊपर चला गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH2 CH3, और दूसरे तरफ बनेगा P डबल बॉन्ड O, और फिर इससे 3 PH इस तरह से जुड़ जाएंगे, POPH3 बन जाएगा। ये एक अल्कीन सिस्टम बन गया, और अल्कीन सिस्टम पर क्या अब होने वाला है, हाइड्रोबोरेशन होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है बच्चों, हाइड्रोबोरेशन। इसमें क्या होता है, BH3 H और BH2 के रूप में जो है ये BH2 लेस क्राउडेड साइड में जुड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, H और ये रहा BH2, तो हम जानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। ठीक है, तो फाइनली ये जो
इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, फाई क्लाउड जो है, ये क्या करता है, इसके ऊपर अटैक मार लेता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है कनिकल, इधर वाले कार्बन से BH2 और इधर वाले से ये जुड़ेगा। जानते होंगे आप CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद जो है CH2, CH2, CH3, है ना, और यहाँ पर BH2। फाइनली बाद में जो है देखिए यहाँ पर CH3COH दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी ऐसा एसिडिक मीडियम होगा जो इसको प्रोटॉन देगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और इसको यहाँ पर करने का मतलब यह है कि CH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो गौर से देखिए हमें जो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आंसर चाहिए था वो यही तो चाहिए था। ठीक है, तो ये आपको मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आई बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 142 में क्या हो रहा है बच्चों, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ है और ये एक एस्टर है, तो एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस होगा, बेसिकली ये कुछ इस तरह से सीओ ओईटी है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहां से दो भागों में बटेगा और फाइनली अगर आप गौर से सोचें तो ये आपको सी डबल बॉन्ड ओ और COH में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। फिर जब आप हीटिंग करेंगे, तो ये देखिए बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो एसिड का जब हीटिंग करते हैं हम लोग तो फाइनली क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, मतलब यहाँ से CO2 जो है रिलीज कर देता है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है और आपको जो है इस तरह का एक कीटोन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हेलो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 143, इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉलोड बाय द हीटिंग गिव्स ए प्रोडक्ट विच गिव्स द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखिए हाइड्रोलाइसिस तो करेंगे ही, सबसे पहले नंबर आयोडोफॉर्म टेस्ट जो कौन सा कंपाउंड देता है ये समझ में आना जरूरी है। पहला कंपाउंड होता है मिथाइल कीटोन। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले पोजीशन पर CH3 और दूसरे पोजीशन पर जो है ना सी डबल बॉन्ड ओ का होना जरूरी है। और दूसरा है कि अल्कोहल में भी देखा जाता है 2H 2 ऑल वाले सिस्टम में, वही पहले पोजीशन पर सर तभी भी वही है, पहले पोजीशन पर CH3 होना चाहिए और दूसरे पर OH होना चाहिए। मीडियम बेसिक होता ही है आयोडोफॉर्म के लिए, आप जानते हो कि I2+ का NaOH हम लोग यूज में लेते हैं। तो ये जो साइड में जो CH3 है ना, बेसिकली यही आपको CHI3 बोले तो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसीलिए कंडीशन रिक्वायर्ड है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जैसे देखिए पहला नंबर है, पहले वाले को कहता है हाइड्रोलाइसिस कीजिए, जब आप इसका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस बाय हीटिंग, हीट भी करना है, ठीक है, गिव्स ए प्रोडक्ट जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो चलिए इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको पता है CH3C और ये जो है COH में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एस्टर है, तो ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ और उसके बाद OET होगा तो यहाँ से टूटेगा और ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली। और यहाँ पर बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ और उसके बाद जो है CH2 और फिर CH3 है। ठीक है, ये देखिए बीटा कीटो एसिड है और बीटा कीटो एसिड का जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, यहाँ से CO2 निकलेगा, ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा और फाइनली जो है ये आपको प्रोडक्ट के रूप में CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, है ना, फिर CH2 और CH3। तो मैंने अभी क्या बताया था कि एंड पॉइंट पर जो है ना CH3 का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कीटोन फॉर्म में हो, चाहे वो अल्कोहलिक फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ पर देखिए CH3 ना होकर CH2, CH3 है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर नहीं है। चलिए तो अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी के बारे में, ये नहीं हो गया। बी में देखिए यहाँ पर कीटोन दिया हुआ है और वैसे ही यहाँ पर भी एस्टर है, तो अगर गौर से आप देखिए, ठीक है, इस तरह से, तो ये देखिए यहाँ पर COH में कन्वर्ट होगा और इधर जो है आपको क्या दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 है। जब आप इसका हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने के बाद देखिए क्या है, बीटा कीटो एसिड, ये कैसे, ये अल्फा पोजिशन और ये बीटा पोजिशन, तो बीटा कीटो एसिड का जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, यहाँ से CO2 निकल जाएगा और फाइनली जो है बच्चों ये यहाँ से
इस कार्बन से सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री जुड़ गया। बोले तो एक प्रकार से मिथाइल कीटोन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, मिथाइल कीटोन बन गया। तो ये जो मिथाइल कीटोन है, आप गौर से देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो है इसी के जैसा ही तो है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बी हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से आप इसका भी कर सकते हैं, टू सी ओ एच बनाएगा, ठीक है। बेसिकली ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, जैम कार्बोक्जिलिक एसिड बनाएगा, यहाँ भी सी ओ एच और यहाँ भी सी ओ एच। जब आप इसका हीटिंग करेंगे तो एक सी ओ एच समाप्त हो जाएगा और केवल सी ओ एच ही मिलेगा एक, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आप चारों ऑप्शन को चेक कर सकते हो। ये भी नहीं हो पाएगा, क्यों, यहाँ पर सी ओ एच बनेगा और हीटिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से साइक्लोपेंटेनॉन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। 144 में कहता है ट्रीटमेंट ऑफ 2° अल्कोहल विद CrO3। देखिए CrO3 जो है ना, ये एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, 2° अल्कोहल के बारे में हमसे पूछा है, तो 2° जो है ना ये कीटोन में कन्वर्ट होता है, आप जानते हो 3° का कोई कन्वर्जन नहीं होता है, 3° अल्कोहल का कोई रिएक्शन नहीं हो पा, और 1° अल्कोहल का जो है ये क्या करता है, इसको एसिड में बदल देता है, ठीक है। तो 2° है तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है।